आप देख सकते हैं इन्होंने पार्टीशन का आइडिया किया है, आप भी वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका किंग साइज बेड, यहाँ पे लगा सकते हैं आप अपना रेफ्रिजरेटर। नमस्ते एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। आज मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ जो कि लोकेटेड है मुकाई चौक में। अब कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये आ जाता है मुंबई बैंगलोर एक्सप्रेसवे के बहुत ही नजदीक। अब हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 and 3 BHK के अपार्टमेंट्स। टोटल लैंड पार्सल इसका फैला हुआ है 2.5 acres में, जहाँ आपको मिल जाएंगे पूरे 6 towers, जिसमें से 5 ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं और 1 tower अभी लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9th floor विद बहुत सारे एमिनिटीज, जो कि होगी रूफटॉप एमिनिटीज एंड ग्राउंड लेवल भी, और यहाँ पे आपको कुछ कमर्शियल जोन्स भी दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सैंपल फ्लैट टूर। उससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं इसकी प्राइसिंग, कार्पेट एरिया एंड पोजीशन डिटेल, तो वो आपको स्क्रीन पे दी गई है, वीडियो पॉज करके जरूर देख लीजिए। अभी हम देख रहे हैं 3 BHK सैंपल फ्लैट अपार्टमेंट का टूर। इसका कार्पेट एरिया है 980 square feet। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके डिजिटल वीडियो डोर फोन। ये डोर आ जाएगा एज इट इज ऑफ कोर्स विद डिजिटल लॉक्स, जहाँ पे आपको मिलेगा पैटर्न कार्ड, थंबप्रिंट एंड की। तो अंदर आते ही दिखाई देगी आपको ये बड़ी सी लॉबी, देख सकते हैं ये अच्छी सी स्पेशियस है। यहाँ पे आप लगा सकते हैं आप अपना शू रैक, चाहे तो यहाँ पे वास या प्लांट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप सुंदर सी फ्रेम्स लगा सकते हैं। तो अंदर आते ही देख सकते हैं आप बढ़िया सा एल शेप लेआउट का लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। यहाँ पे करेंगे आप अपनी बढ़िया सी सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे आ जाएगा आपका LED TV अटैच मिल जाएगी आपको, आपकी बढ़िया सी बालकनी। चलिए देखते हैं, तो ये बालकनी एक्सेस होगी स्लाइडिंग डोर के साथ विद प्रोवाइडेड मस्कीटो मेश। यहाँ पे मिल जाएगी आपको वुडन फिनिशिंग टाइल्स विद रीलिंग। चलते हैं आगे। आगे आते ही ये आ जाएगा आपका डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हैं इट्स इनफ स्पेशियस, जहाँ पे आप लगा सकते हैं 4 या फिर 5 सिटिंग भी आराम से हो सकती है। यहाँ पे आ जाएगा आपका किचन, यहाँ पे मिलेंगे आपको पैरेलल किचन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे लगा सकते हैं आप अपनी ट्रॉलीज, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइक्रोवेव या फिर ओवन, लगा सकते हैं कुकटॉप, ऊपर बना सकते हैं लॉफ्ट। यहाँ पे बड़ी सी स्पेस प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे लगा सकते हैं आप अपना रेफ्रिजरेटर, साइड में भी बहुत स्पेस है, आप ट्रॉली या फिर बास्केट्स की अरेंजमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देख ही सकते हैं आप, आपको मिल जाएंगे 2 सिंक। हाइजीन के हिसाब से ये सिंक बहुत बेहतरीन है, क्योंकि एक में वॉश कर सकते हैं आप अपने गंदे बर्तन, सेकेंड में आप वॉश कर सकते हैं अपने वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट। सिंक के साथ प्रोवाइड किए गए हैं आपको रिमूवेबल टैप्स। फिर टाइल ड्रॉप के साथ आ जाएगी आपकी ये ड्राइव बैल्कनी, काफी डिसेंट साइज है इस ड्राइव बैल्कनी का। यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉशिंग मशीन, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो प्रोवाइड की गई है, एग्जॉस्ट के लिए भी आपको जगह दी गई है। चलते हैं अब हम आगे। तो ये 3 BHK अपार्टमेंट, इसका लेआउट आ जाता है बटरफ्लाई लेआउट, जिसका मतलब है मेरे राइट साइड में आ जाएगी 1 bedroom और लेफ्ट में आ जाएगी 2। तो पहले देखते हैं हम ये राइट साइड की फर्स्ट बेडरूम। तो ये आ जाती है आपकी बढ़िया सी फर्स्ट बेडरूम, जिसे बना सकते हैं आप गेस्ट बेडरूम। यहाँ पे आ जाएगा आपका बेड, दोनों साइड लैंप भी लगा सकते हैं, सामने आ जाएगा TV या फिर शेल्फ। यहाँ पे बढ़िया सी जगह है जहाँ पे आप लगा सकते हैं आप अपना वार्डरोब। यहाँ पे देख सकते हैं आपको वेंटिलेशन के लिए ये बड़ी सी विंडो प्रोवाइड की गई है। तो अब हम बढ़ते आगे। इस फर्स्ट बेडरूम या फिर गेस्ट बेडरूम के साथ अटैच मिल जाएगा आपको ये वॉशरूम। प्लीज हैव अ लुक। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। आगे चलते ही आ जाएगा ये आपका कॉमन एरिया। आप देख सकते हैं इन्होंने पार्टीशन का आइडिया किया है, आप भी वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंक, यहाँ पे आ जाएगा आपका मिरर, आप नीचे बना सकते हैं कैबिनेट्स या फिर लॉक। यहाँ पे आपका है स्विच, जहाँ पे आप लगा सकते हैं आप अपने ग्रूमिंग मटेरियल्स या एक्सेट्रा। यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉमन वॉशरूम, आप जाके देख सकते हैं। इसके ठीक सामने
आ जाएगी आपकी ये सेकंड बेडरूम। यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपना बेड, लैंप के लिए भी जगह है, चाहे तो आप इसे स्टडी टेबल या फिर वर्क टेबल भी बना सकते हैं। वार्डरोब के लिए भी यहाँ पे काफी बढ़िया सी जगह है, चाहे तो यहाँ पे आप फ्लावर वास, फोटो फ्रेम्स वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी प्रोवाइड की गई है आपको ये बढ़िया सी विंडो विथ मस्कीटो मेश। ये काफी बड़ी है इसलिए एटमोस्फियर भी आपको यहाँ पे काफी खिला खिला मिलेगा और आपको नेचर का भी पूरा मजा ले सकते हैं। यहाँ से आगे चलते ही आ जाती है आपकी ये बढ़िया सी मास्टर बेडरूम। यहाँ पे आ जाएगा आपका किंग साइज बेड, दोनों साइड लगा सकते हैं आप अपना लैंप। यहाँ पे वार्डरोब के लिए भी सफिशियंट जगह है। सामने आ जाएगा आपका एलईडी टीवी, चाहे तो यहाँ पे बुकशेल्फ बना सकते हैं या फिर अदर आर्टिफैक्ट्स भी रख सकते हैं। इसी मास्टर बेडरूम से अटैच आ जाएगा आपका ये वॉशरूम, आप जाके देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका मास्टर बेडरूम से अटैच पर्सनल बालकनी, जो कि एक्सेस होगी स्लाइडिंग डोर के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल जाती है वुडन फिनिशिंग टाइल, ये रीडिंग एज इट इज। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये काफी ये डिसेंट साइज की है, इसलिए यहाँ पे आप फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, पॉट्स लगा सकते हैं और सिटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सैंपल फ्लैट टूर अच्छा लगा होगा। सबसे अच्छी बात कौन सी लगी कि हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।